बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा चैप्टर नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस है और इन रिएक्शंस के अंदर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। योर कोर्स इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। कैनिज़ारो रिएक्शन के हवाले से आप लोग पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे एक तरह की आप कह लें कि रिवीजन ही होगी। इस लेक्चर के अंदर हम कैनिज़ारो रिएक्शन के जनरल इंट्रो लेंगे, उसका मैकेनिज़म देखेंगे और फिर उसकी एक दो एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। बेसिकली जब आप कैनिज़ारो रिएक्शन का जिक्र करते हैं तो यू नो अबाउट द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एल्डिहाइड के तौर पे से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, उनको जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जो एल्डिहाइड्स हैं उनका आपस में रिएक्शन होता है, जिसके अंदर एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाती है इनटू अल्कोहल व्हाइल द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वजह से इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। सो वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं, वेल दोज एल्डिहाइड्स दैट डू हैव द अल्फा हाइड्रोजन द एल्डो रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रेफरेंशियली। तो वहाँ पे चूँकि अल्फा हाइड्रोजन होता है और वो मॉलिक्यूल इनोलाइज हो सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे फिर एल्डो रिएक्शन ही प्रेफरेंशियली होता है। मैकेनिज्म के हवाले से बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड है। यहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्सल फ्रॉम बेस है वो अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और नतीजतन आपके पास ये हाइड्रेट एनायन मिल जाता है। अब लाजमी ये जो मोनो एनायन है ये डाई एनायन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका रिएक्शन मीडियम है दैट इज़ स्ट्रॉन्गली बेसिक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका मोनो एनायन है ये डाई एनायन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो यही हाइड्रोक्सल है वो इस हाइड्रोजन को भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो आपके पास दो तरह के एनायन हाइड्रेटेड बन सकते हैं, मोनो एनायन भी हो सकता है डाई एनायन भी हो सकता है। लेकिन जो की स्टेप है कैनिज़ारो रिएक्शन में वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र है, जो कि हम आगे देखेंगे। सो द रिएक्शन इज़ इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एनायन टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड टू गिव दिस मोनो एनायन। एज द मीडियम इज़ स्ट्रॉन्गली बेसिक सो दिस एनायन कैन फर्दर बी डीप्रोटोनेटेड इनटू दिस डाई एनायन। नाउ मोनो एनायन हो या डाई एनायन हो, कंपैरेटिवली डाई एनायन जो है वो वेरी अनस्टेबल होता है। दोनों सूरतों में ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। अब अगर इसने ख़ुद को स्टेबलाइज होना है तो इसको कोई ना कोई जो ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं चारों, उनमें से किसी ना किसी की क्या देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन, ताकि ये ख़ुद को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हम सपोज़ डाई एनायन की बात करते हैं तो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उनके अंदर ऑक्सीजन है ओ नेगेटिव यानी कि O-2 है, आपके पास हाइड्रोजन नेगेटिव है और R नेगेटिव है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इनके अंदर हाइड्राइड जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। लेकिन आपको पता है कि हाइड्राइड भी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर सस्टेन नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे जो हाइड्राइड को सपोर्ट मिलती है दैट इज़ द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है दैट इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप।
तो यहाँ पे यही होता है कि ये हाइड्राइड आसानी से, मतलब कंपैरेटिवली जो बाकियों की निस्बत आसानी से यहाँ पर मूव होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ एल्डिहाइड मौजूद है। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र है इनटू कार्बोनाइल ग्रुप, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, और हमारे पास ये एनायन कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका ये जो एनायन है ये खुद को क्या कर लेगा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबलाइज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम डायनायन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज़ हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है इनटू कार्बोनाइल कार्बन, ये दोबारा एल्कोक्साइड आयन समय बन गया, और आपका ये जो डायनायन है ये कंपैरेटिवली स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर चला गया। सो हाइड्राइड इज़ ऑफ कोर्स टू अनस्टेबल टू बी रिलीज इनटू द सॉल्यूशन, बट इफ़ देर इज़ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड विच इज़ अ सूटेबल इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन अ मैकेनिज्म दैट बियर सम रिजेम्बलेंस टू अ बोरोहाइड्राइड रिडक्शन। ये आपने पढ़ी होगी रिडक्शन के मैकेनिज्म। तो बोरोहाइड्राइड में जिस तरह हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड एल्कोक्साइड आयन जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी पीके वैल्यू कम है, वो हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ये अल्कोहल में चले जाएगी, और आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगी वो कार्बोक्सिलिकेट आयन होगा और प्लस आपके पास क्या होगी, अल्कोहल होगी। सो ये यहाँ पे ओवरऑल ये रिएक्शन शो किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है एल्डिहाइड के ऊपर, दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोजन होती है और आपके पास एक हाइड्रेटेड मोनो एनायन बन जाता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड बेस चूँकि मौजूद है, तो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये फर्दर डीप्रोटोनेट होके हाइड्रेट डाई एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी मोनो एनायन हो या डाई एनायन हो, दोनों ही मैकेनिज्म के अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्राइड आयन लूज़ करते हैं, और ये हाइड्राइड आयन एक्सेप्ट होता है बाय दी अदर मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड, और ये जो मॉलिक्यूल है ये जब कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस एल्कोक्साइड आयन, और आपके पास ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन में ये जो डाई एनायन या मोनो एनायन ये कार्बोक्सिलेट में चले जाते हैं। ये जो मोनो एनायन है ये फर्दर कन्वर्ट होता है बाय प्रोटोनेशन इनटू अल्कोहल। तो आपका एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट में चला गया, जो कि जब आप रिएक्शन वर्कअप करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड से ये किस में चला गया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैकेनिज्म के हवाले से ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र जो है वो अप्रूव्ड है, क्योंकि ये मैकेनिज्म वाटर की बजाय ड्यूट्रेटेड वाटर या D2O एज अ सॉल्वेंट के अंदर भी स्टडी किया गया है, और ये तय हो चुका है कि जो अल्कोहल बनती है उसके अंदर कोई भी कार्बन जो है वो ड्यूट्रेटियम के साथ बॉन्डेड नहीं होती, जिसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफर्ड हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है वहीं से आती है, सॉल्वेंट से नहीं आती। तो ये एक एविडेंस है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के सबस्ट्रेट के आपस में रिएक्ट करते हैं, और एक जो मॉलिक्यूल है वहाँ से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है इनटू द सेकंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सिंथेटिक इम्पोर्टेंस लिमिटेड है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट करेंगे हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा अल्कोहल में। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आपका आधा जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और आधा कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर रिएक्शन 100% भी प्रोसीड कर जाए तो। दोनों सूरतों में आपके जो प्रोडक्ट है उसकी 50% ही बनती है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वो भी 50% मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपको अल्कोहल चाहिए वो भी 50% अचीव कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम यील्ड आपके पास 50% ही आ सकती है। इस वजह से इस रिएक्शन की जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो एज सच बहुत अच्छी नहीं है। हाउएवर
अगर आप डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज़ करें, यानी कि आपका एम है अल्कोहल को इन गुड क्वांटिटीज़ अचीव करना, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई और एल्डिहाइड जिसकी आपको अल्कोहल चाहिए वो यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप दूसरी एल्डिहाइड को इक्विमोलर अमाउंट में यूज़ करेंगे तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो जो है ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीडाइज होगी इंटू फॉर्मिक एसिड, और दूसरी एल्डिहाइड को जो है अल्टीमेटली क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी इंटू योर डिज़ायर्ड अल्कोहल। तो आपके पास प्रेफरेंशली जो है वो क्या बनेगी, अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में बनेगी। इस वेरिएंट जो कैनिज़ारो रिएक्शन का है, इसको हम क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशंस के हवाले से देखते हैं, जो अल्फ़ा कीटो एल्डिहाइड्स हैं उनको आप अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंट्रा मालिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंट्रा मालिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन टेक प्लेस होगा। मैकेनिज़म वही है, आपका जो एक कीटो ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है वो अल्कोहल में चला जाएगा, जबकि जो टर्मिनल एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरिक एसिड, तो आपके पास रिजल्टेंटली अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो एक और एप्लीकेशन है, इसके अंदर 1,4-डाईएल्डिहाइड जो हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं इंटू गैमा इलेक्ट्रॉन बाई यूजिंग रोडियम फास्फीन कॉम्प्लेक्स एज अ कैटलिस्ट। अब ये उस कैनिज़ारो की रिएक्शन की एग्जांपल है जिसके अंदर वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है मौजूद है वो प्रेफरेंशली जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ये देख लें एग्जांपल के तौर पर, आपके पास ये एल्डिहाइड है, अब इसके के पास क्या है, ये समीले सिमेट्रिकल है और इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ये जो रोडियम फास्फीन कॉम्प्लेक्स हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, इसके अंदर रोडियम जो है वो एक एल्डिहाइड के साथ एंगेज होता है और दूसरे की ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर लेता है, मसरूफ़ कर लेता है। तो आपके पास ये जो हाइड्राइड आयन है ये बेसिकली, यानी कि ये जो हाइड्राइड आयन है एक एक एल्डिहाइड से वो ट्रांसपोर्ट होता है इंटू अनदर एल्डिहाइड और नतीजतन आपके पास क्या बन जाती है, गैमा इलेक्ट्रॉन बन जाती है। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन यूज़ की गई है और रोडियम फास्फीन कम्प्लेक्स इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है। कैनिज़ारो रिएक्शन के हवाले से इतना ही, इसकी फर्दर एग्जांपल्स आपको लिटरेचर के अंदर मिल जाएंगी। आप टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।